हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में नए चार्ट के बारे में पढ़ने हैं, जिसका नाम है सी चार्ट। ओके, तो सी चार्ट का मतलब क्या होता है या सी चार्ट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, वो समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियोज़ में पी चार्ट और एनपी चार्ट के बारे में पढ़ा था, राइट? हमने क्या पढ़ा था? पी चार्ट और एनपी चार्ट के बारे में। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अच्छा, उसमें हमने पढ़ा क्या था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं, बस हमें ये जानना था। आपको अगर याद होगा, अगर आपने वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम लोग ये चेक करते थे कि हाउ मेनी प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव, राइट? वहाँ पे लिखा रहता था नंबर ऑफ डिफेक्टिव या फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव, यानी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं, बस इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें मिलती थी। लेकिन ये जो है वो आपको उससे एक कदम आगे लेके जाता है। एक कदम आगे लेके जाता है मतलब आपको ये बताता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं, इसके बारे में नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि उस प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट्स हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप एक बार क्लास में गए, आपने क्या किया, वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स की मोबाइल ले ली अपने पास, राइट? और सबकी मोबाइल ख़राब है। क्या है? सबकी मोबाइल ख़राब है, तो हो गया नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव। मान लो 10 का लिया और 10 की 10 मोबाइल ख़राब है, वो हो गया नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव, राइट? लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मोबाइल में कितनी खराबियां हैं? तो जैसे कि मान लो मैंने पहले स्टूडेंट का मोबाइल लिया, उसमें चेक किया तो उसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, या मान लो इसका स्पीकर का ख़राब है, ठीक है, माइक ख़राब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला फ़ोन था उसमें 4 डिफेक्ट्स हैं। बात समझ में आया कि नहीं? यानी जो हमने पहला सैंपल नंबर लिया था उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं? 4 डिफेक्ट्स हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही डिफरेंस होता है पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट के बीच में, यानी उन दोनों चार्ट और ये अकेला। वो दोनों चार्ट आपको सिर्फ ये बताएंगे कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं, लेकिन ये आपको ये भी बताएगा कि कितने डिफेक्ट्स हैं। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि ये चार्ट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? और इसका जो पहचानने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि क्वेश्चंस में आपको लिखा रहेगा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, उनमें क्या लिखा रहता है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव, यानी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं। यहाँ पे लिखा रहता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी उस प्रोडक्ट में कितना डिफेक्ट्स है। क्लियर है? और जितना ये डिफेक्ट कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, कि इसका मतलब ये वो प्रोडक्ट हमारी उतनी बेटर है। सो ये कंपनी यही ट्राई करती है कि उनके जो डिफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और साथ में मैं आपको फॉर्मूलाज भी यहाँ पे लिख के बता दूंगा। तो जिसके साथ हमने आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं वो आपको बताते जाऊँगा कि इसमें क्या प्रिपेयर करना होता है, चार्ट कैसे बनाना होता है और कुछ चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आप लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देते रहो, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइड मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है जिसमें मैंने 15 सैंपल्स लिए हैं और हर सैंपल में कितना डिफेक्ट्स है वो क्लियर यहाँ पे लिखा। जैसे पहले प्रोडक्ट में 12 डिफेक्ट्स हैं, दूसरे में 20, तीसरे में 16, चौथे में 15, इस तरह से इनके अंदर डिफेक्ट्स है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? और इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है। तीन ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं, CL, UCL और LCL। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? LCL होगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात समझो, इसका जो फॉर्मूला है ना वो सबसे इजी फॉर्मूला है और सॉल्व करना भी सबसे आसान होता है। बाकी में तो हमें पी बार फिर 1 - p बार इस तरह से करना था, ये तो सबसे इजी है। इसमें आपको करना क्या है, बस आपको सी बार निकालना है, उसी के बेस पे सब कुछ हो जाएगा। देखो, जैसे सेंट्रल लिमिट यानी CL का फॉर्मूला क्या होता है? सी बार। अब सी बार का मतलब क्या होता है, तो वो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी बार इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एम। क्या होता है? सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एम। फिर उसके बाद लिखा है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स सी का, या जो सिग्मा सी है वो क्या डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। और एम आपका यहाँ पे क्या डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि आपने यहाँ कितने सैंपल्स लिए हैं वो आपका जो ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स का टोटल है, ये आपको यहाँ ऊपर लिखना होता है और आपका जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल है वो डिवाइड में करना होगा। आपको क्या मिल जाएगा? सी बार मिल जाएगा, राइट? उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है? UCL। UCL का फॉर्मूला क्या है? सी बार प्लस 3√c बार। और LCL का तो फॉर्मूला सेम ही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस होता है और ये माइनस होता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद हमें क्या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देते रहो, मैं आपको सॉल्व करके एक बार समझा देता हूँ। क्लियर इतना? ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख दिया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना होता है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए सी एल की तरफ। तो सी एल की तरफ हमारी नज़र गई तो हमने देखा यहाँ पे लिखा है सी एल का मतलब होता है सी बार। और फिर मैंने देखा कि सी बार का मतलब मैंने ऊपर लिखा था सिग्मा सी डिवाइडेड बाई एम, और सिग्मा सी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे भाई इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल किया तो कितना आया था 192। फिर उसके बाद लिखा है टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना था 15 था, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आंसर आपका आ गया 12.8, यानी सी बार आपका कितना आया 12.8। क्लियर है? तो वो आपका हो गया सी एल। उसके बाद आप कैलकुलेट करने गए यू सी एल। तो यू सी एल का फॉर्मूला क्या था, सी बार प्लस 3 रूट सी बार, राइट। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में भी समझाया है, जब ऐसा कुछ आ जाए भाई कैलकुलेट करने के लिए तो इनको अलग से ही कैलकुलेट करके एकदम आसानी से दिखा दो। तो मैंने यहाँ पे ही साइड में कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि भाई 3 रूट सी बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी बार की वैल्यू कितनी है 12.8, रूट से बाहर निकालोगे 3.57 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10.73 आ जाएगा, और वही वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर दी और यहाँ पे माइनस कर दी। सिंपल हो गया सॉल्यूशन, राइट। तो इसका सॉल्यूशन सबसे आसान होता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। ध्यान क्या देनी है कि देखो, कभी कभी ये जो हमारा एल सी एल है वो कभी कभी माइनस में चला जाता है। क्या हो जाता है उसमें, कभी कभी माइनस में चला जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कभी भी किसी प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट है वो कभी माइनस में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी भी प्रोडक्ट का डिफेक्ट जो है वो माइनस में नहीं होता। अभी जैसे मैंने कहा मेरे पास जो फ़ोन है उसमें -5 डिफेक्ट्स हैं। अरे हाउ पॉसिबल यार। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारा डिफेक्ट्स वो माइनस में जाएगा नहीं। तो अगर ये कभी माइनस में आता है तो आप उसको ज़ीरो मान लोगे, क्या एज्यूम कर लोगे, ज़ीरो। बात समझ में आया कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर यही -2.07 आया होता तो मैं इसको एक्चुअल में ज़ीरो लिख के से लिख देता कि भाई हाँ मेरे प्रोडक्ट में ज़ीरो डिफेक्ट्स हैं। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कभी आपका अगर एल सी एल माइनस में आता है, यू सी एल तो माइनस में आएगा नहीं, एल सी एल ही माइनस में आ सकता है। तो अगर कभी आपका एल सी एल माइनस में आए तो समझ जाइएगा कि भाई यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर हुआ इतना? बात समझ में आया? और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे देखो टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, सॉरी टीवी रेडियो तो टेलीविज़न तो सेम ही होता है, जैसे फ्रिज, एसी, तो इनमें मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स वाला काम चलता है कि कितनी गलतियाँ निकल रही हैं। भाई प्रोडक्ट तो ख़राब है पता है पर कितनी गलतियाँ निकल रही हैं। जैसे इसमें अभी मेरे पास जो एसी है, मान लो कि ये जैसे एसी है मेरे पास, तो उस एसी, ये एसी ख़राब है, पता चल गया भाई एसी ख़राब है पर कितने डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम सी चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ ग्राफ। तो जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियोज़ में आपको ग्राफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे मैं इतना जो जगह बचा है इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ग्राफ इनके ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं, तो यहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं लूँगा, 4-5 जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे हाथ में सैंपल्स, मैं उनको बेस लेके आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या आपको समझाया था कि भाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लो। मेरी लाइन्स हम कभी सीधी नहीं जाती हैं तो वो आप ध्यान देना क्या, तो आप लोग स्केल से पेंसिल से करोगे तो आपकी लाइन हमेशा सीधी रहेंगी। अब देखो, जैसा मैंने कहा था कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या कहा था, आपको ये बताना होता है कि कितने सैंपल आपने लिए थे, यानी यहाँ पे हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सैंपल, राइट। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3। अब यहाँ देखो ये ग्राफ कैसे बनाना होता है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स दिखा देना होता है और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है यहाँ पे क्या दिखाओगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने बट आप क्लियर देख लो कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, मतलब आप क्लियर देख लो, मतलब सुन लो यार कि क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यहाँ पे डिनोट करना होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी ग्राफ बनाने जाओ तो पहली चीज़ ये ध्यान दो कि आपका सी एल, यू सी एल और एल सी एल क्या है। दूसरी चीज़ ये ध्यान दो कि आपका जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिया हुआ है वो क्या है। अगर आप इसमें चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है आपकी 7 और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपकी 20, यानी ये दोनों कवर होने चाहिए, पहली चीज़ ही हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आप अपना यू सी एल और एल सी एल चेक करो, एल सी एल है आपका 2 और आपका यू सी एल है 23.53, यानी हम 24 समझ लेते हैं कैलकुलेशन क्लियर करने के लिए, यानी 2 से 24 तक जाना है, यानी कि ये भी कवर करना है और ये भी कवर करना है, यानी कि हम 2 से लेकर 24 तक का बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2, 4, 6, 8,
ओके मैंने थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए इतना लिखा है, आप ग्राफ में भी इस तरह से बना सकते हैं, क्लियर है इतना। तो इस तरह से बनाया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से करके मैंने पूरा 24 तक बनाया हुआ है। इतना करने के बाद मैंने क्या कहा था? आपको क्या करना होता है, आपको पहले LCL, UCL और CL डिनोट करना होता है। तो आपका LCL है 2.07 है, तो 2.07 यानी ऑलमोस्ट 2 के पास में ही है, तो ये लाइन मेरी कुछ ज़्यादा ही सीधी हो गई है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं LCL डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा UCL कितना है, 23.53 यानी 23.53। तो यहाँ पे देखो ये मैंने गैप जो है वो कम करने के लिए यहाँ पे 22 के बाद गैप छोड़ा नहीं, डायरेक्टली 24 ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कम गैप लिया, उसका रीज़न था भाई ज़्यादा ऊपर चला जाता तो आपको देखने में तकलीफ होती है समझाने में मुझे। तो ग्राफ में जब बनाना तो ये गैप जो है ना उनके बीच का वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो वहाँ पे ब्रैकेट बने होते हैं, तो आप एक ब्रैकेट को लेके एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल देखो 23.53 है, यानी ऑलमोस्ट मैं 24 के आसपास ले लेता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा UCL, क्या बन जाएगा मेरा UCL, ओके। और उसके बाद मेरा है CL, CL कितना है 12.8, तो 12.8 यानी कि ऑलमोस्ट मैं 13 के पास समझ लेता हूँ। तो ये रहा मेरा 13 और ये रहा मेरा CL, ओके। तो मैंने UCL, LCL और CL तीनों डिनोट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे सैंपल चेक करो, नंबर वन सैंपल, उसके सामने कितने डिफेक्ट्स हैं, 12, यानी नंबर वन के सामने क्या डिनोट करोगे आप, यहाँ पे 12 के सामने डॉट करोगे। फिर नंबर टू के सामने कितना, 20, तो 2 के सामने 20 पे जाओ। फिर 3 के सामने 16 पे, 3 के सामने ये रहा आपका 16, 3 यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर 4 के सामने 15, तो 4 के सामने ये रहा 15, इस तरह करके आप पूरे 15 के 15 डिनोट करो। उसके बाद मैंने कहा था कि इनको जॉइंट करना होता है 1 by 1, तो कुछ ये हार्ट बीट जैसे बनते हैं, राइट। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ये चेक करना है कि जो ये आपके डॉट्स बनते हैं वो LCL और UCL के बीच में ही हैं या नहीं है। अगर UCL और LCL के एक भी ऊपर या नीचे गए तो समझ लेना कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बात समझ में आया कि नहीं, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें ध्यान में क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंडर कंट्रोल ही होना चाहिए, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका सी चार्ट कंप्लीट होता है और आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें पूरी समझ में आएंगी। आप अपने रिव्यूज़ है ना वो मुझे क्लियरली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी चीज़ें आप मुझे वो क्लियरली आप बता देना, ओके। और वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, ठीक है, नहीं करेंगे तो भाई मैं ज़बरदस्ती तो हाथ पकड़ के करवा नहीं सकता कुछ, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, ओके। तो आप लोग ये मेरी रिक्वेस्ट मुझे लग रहा है समझेंगे और सब्सक्राइब लाइक शेयर ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं किया है तो भी थैंक यू यार, और क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।